हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस. ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस. लो जी, कमाल हो गया. चोकर्स ने दूसरों को चोक कर दिया और सबको हैरान कर दिया. मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं. इंग्लैंड को वो खातिर में नहीं लाए, इसलिए कि बॉडी लैंग्वेज, कैचिंग स्ट्रेटजी, पॉइंट ऑफ व्यू और फिर बड़े मोमेंट्स इंग्लैंड से बेहतर खेले, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और ये ले उड़े इंग्लैंड से. मुझे ऐसे लगता है कि खतरे की घंटी बार बार बजा रही है साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि ये अब पुरानी वाली टीम नहीं है. सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रंच मोमेंट्स खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर नर्वस सिस्टम जो है इनका कंट्रोल में है. देखिए, सिलेक्शन अब ये दो स्पिनर्स को भी खिलाते हैं. अच्छी चीज और क्या कर रहे हैं कि स्पिन के खिलाफ इनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, जैसे कि क्लासन है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्करम है. ये बड़े क्लासी प्लेयर्स हैं और ये टेक ऑन करते हैं चैलेंज को. फिर महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. असल में जो एक तरह से कैटलिस्ट साबित हुए अभी तक वो केशव महाराज है, क्योंकि मिडिल फेज में आके आउट करना आसान काम नहीं होता. गेंद थोड़ा सा फंस रहा था, फ्लाइट देने से घबराते नहीं है. और अगेंस्ट द विंड जब बॉलर स्पिनर बॉल करते हैं कई दफा, तो गेंद हवा में कई दफा रुक जाता है. फिर आपको फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव देखना है कि अगेंस्ट द विंड तो नहीं आप कहीं बड़ी हिट लगा रहे. विद द विंड और आपके एंगल्स बनते हैं. नोकिया फॉर्म में है, नोकिया ने कमाल बॉलिंग की. मिडिल में आके वो जो ब्रुक की विकेट ली है और पार्टनरशिप तोड़ी लिविंगस्टन की, वही मैच था वहां पे भी. सो वो जो पार्टनरशिप जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये हाथ से निकल जाएगा फिर साउथ अफ्रीका के मैच, मगर ऐसा हुआ नहीं. सो इंग्लैंड को सोचना है और बहुत कुछ सोचना है. टॉप ऑर्डर लड़खड़ा रहा है, मोइन अली की बैटिंग फॉर्म नहीं है. बेन डकेट को खिलाना चाहिए, लेफ्ट हैंडर है. हालांकि मोइन बॉलिंग कर लेते हैं, मगर लिविंगस्टन भी एक दो ओवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो मैच का पासा पलट सकते थे मोइन, वो था अगर महराज को वो टेक ऑन कर देते, क्योंकि स्पिन को अच्छा ये फड़काते हैं और बैटिंग करते हैं, मगर फॉर्म नहीं है. बाउंसर पे एक दफा फिर फंस गए. सो जो बॉलिंग में अच्छी चीजें की थी इंग्लैंड ने, वो बैटिंग में जाया कर दी. और एक मुकाबला जो कि शायद आजकल की डे एंड एज में 160 रन करने चाहिए, जैसी मर्जी कंडीशंस हो, वो नहीं कर सके. जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच मैंने पिक किया है क्विंटन डीकॉक की इनिंग्स को, इसलिए कि लाजवाब बैटिंग की उन्होंने. ये एक तरह से, बाकी आप देखें अगर स्कोर कार्ड दोनों तरफ से, तो ये मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी, इतनी ज्यादा आसान नहीं थी. मगर जो फॉर्म उन्होंने यूएसए के खिलाफ दिखाई, उसी फॉर्म को इस मैच में आगे ले गए. जो देखने की बात है, इनके बल्ले के आंख है, हर तरफ शॉट खेलते हैं, ऑफ हो गए, ऑन हो गए. और पाकिस्तानी यंगस्टर्स को जो कि T20 खेलना चाहते हैं, इस तरह से आपके बल्ले का फ्लो आना चाहिए. बहुत ही ईज के साथ ऑफ साइड और लेग साइड पे चौके छक्के लगाते हैं, फेयरलेस हैं. और अगर आपका ओपनर इस तरह से फॉर्म में है, तो फिर आधा मुकाबला आप जीत ही जाते हैं. रन चेस की सिचुएशन में खास तौर पे आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया कैसे जीतते हैं, वो ट्रेविस हेड और वार्नर की वजह से ही एक तरह से ओपोजिशन को ठंडा कर देते हैं पहले 6 ओवर्स में अटैक करके. सो इसी तरह से क्विंटन डीकॉक है, फॉर्म चली गई थी, फॉर्म वापस आई है. यूएस में अच्छा नहीं खेल रहे थे क्योंकि पिचेस इनके मतलब की नहीं थी. ये परफेक्ट या अच्छी बैटिंग सर्फिसेस के बल्लेबाज है और उन्हें करके दिखाया. बहुत बड़ी इनिंग्स खेली एक मुश्किल पिच पे, एक क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ अपनी गेम को आसमान पे ले गए. स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए. लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच. केशव महाराज देखिए, 2 विकेटें ली, 4 ओवर्स किए, 20-25 रन दिए, बेस्टो को आउट किया, बटलर को आउट किया, मेजर फोर्स को डिसमेंटल किया उन्होंने और एक तरह से बॉल नहीं किए. ये देखने वाली बात है क्योंकि इनका आर्म बॉल अच्छा है, स्ट्रेटर एंगल अच्छा है, मगर यहाँ पे कंडीशंस अच्छी रीड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बॉलिंग कर रहे हैं, हवा में गेंद को छोड़ते हैं, कभी गेंद थोड़ा सा स्पिन हो जाता है, सीधा रह जाता है. और जो उन्होंने कमाल के 5-6 बॉल किए हैं, वो मोइन अली को किए हैं, क्योंकि मोइन अली बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, मगर उनके अगेंस्ट उन्होंने गेंद को अंदर लाने की कोशिश ही नहीं की. उनको फोर्स किया कि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जो है बड़ी हिट लगाएं, और मोइन जो है वो इसलिए डोमिनेट नहीं कर सके. सो एक आपका ओवरऑल बॉलिंग प्लान होता है और फिर एक स्पेसिफिक बॉलिंग प्लान होता है, और इनका ओवरऑल और स्पेसिफिक दोनों बहुत ही आला प्लान थे. और फिर बहुत बड़े हौसले के साथ बॉलिंग की, क्योंकि फ्लाइट करना आसान नहीं है, चाहे जैसी मर्जी ब्रीजी कंडीशंस हो आपको एडवांटेज भी मिलता है, मगर एक आधे इंच से अगर गेंद आगे गिर जाए तो छक्का जा सकता है. सो गुड लेंथ हिट करते रहे, फ्लाइट करते रहे, अंदर भी गेंद को लाते रहे और वेरिएशंस कमाल की थी. और मिडिल फेज में आके इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस कर जाना,
एक तरह से इन्होंने जो एक जो टेम्पो सेट करना था इंग्लैंड ने और एक अटैकिंग टेम्पो सेट करना था फ्रंट में, केशव महाराज की वजह से वो जो एग्रेसिव टेम्पो है वो किल हो गया। जिंदगी ऐप, योर ऑल इन वन फाइनेंशियल ऐप। गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच एक दो है इनफैक्ट। नोकिया ने जो ब्रुक आउट किया वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस जीत में साउथ अफ्रीका के लिए। नोकिया देखिए वही प्लेयर बड़ा होता है जो अपनी फॉर्म, जो अपनी विकेट्स का इस्तेमाल, उसका जो एक फोर्स बनी होती है और जो कॉन्फिडेंस आया होता है वो बड़े मैच में फिर वो दिखे भी, और ये बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस थी नोकिया की। मगर मेरे हिसाब से जो आज साउथ अफ्रीका ने कैचिंग कर दी है, ओवरऑल फील्डिंग एफर्ट था, मास्वाई क्लासन ने एक कैच ड्रॉप किया था बट अदरवाइज बड़े स्टनिंग कैचेस लिए थे, और ये भी बहुत बड़ी एक गेम चेंजिंग इवेंट था। सो एक तो नर्व अपने काबू में की साउथ अफ्रीका ने, दूसरा नोकिया ने अपनी फोर्स दिखाई वो लिविंगस्टन और ब्रुक की पार्टनरशिप को तोड़ के, और फिर साउथ अफ्रीका की जो कैचिंग थी वो मेरे ख्याल से क्लिंचर था।